और चले इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जयपुर से जुड़ी हुई है। जयपुर में धर्मांतरण के खिलाफ आज रैली निकाली जानी है। थोड़ी देर में युवा शक्ति मंच की वाहन रैली होगी, तो 50,000 युवा होंगे शामिल। रैली में 20,000 दुपहिया वाहन होंगे, 500 फोर व्हीलर भी होंगे और ये गाड़ियां इतनी शामिल होंगी। देखिए 20,000 दुपहिया वाहन इस रैली का हिस्सा होंगे, 500 फोर व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो इसका हिस्सा होंगे। अंदाजा लगाइए कि लोगों ने किस तरीके से एकजुटता दिखाई है और सड़कों पर उतरे हैं। इतनी विशाल युवा शक्ति मंच की तरफ से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं आपको। धर्मांतरण के खिलाफ जयपुर में धर्म युद्ध। जयपुर में आज लगेगा सनातनियों का मेला। सनातन पर चोट तो हिंदुओं का हल्ला बोल। देश भर में जहां हिंदू बेटियों के खिलाफ लव जिहाद का खतरनाक खेल खेला जा रहा है, तो वहीं जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश के मामले भी लगातार आ रहे हैं। नफरत से भरे जिहादी सोच वाले दुश्मन सीधा सीधा सनातन पर चोट कर रहे हैं। देश भर में अचानक इन मामलों में आए उछाल के बाद से हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, ताकि ऐसी जिहादी ताकतों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर में धर्मांतरण के खिलाफ आज बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जो धर्मांतरण के विरोध में होगी। युवा शक्ति मंच वाहन रैली निकालने जा रही है, जिसमें राज्य भर से 50,000 युवाओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस वाहन रैली का उद्देश्य हिंदू समाज को ताकत देना, जो पलायन हिंदू समाज कर रहा है चार दीवारी से, उसको रोकना। जिस तरह से हिंदू समाज एक दूसरे विधर्मियों के द्वारा लोभवश, मोहवश या लालच के द्वारा या डर के द्वारा जो धर्मांतरण कर रहा है, उसको रोकना, अपने पूरे धर्म में उसको जागृति करने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। इस रैली में करीब 20,000 दो पहिया वाहनों के साथ ही करीब 500 फोर व्हीलर गाड़ियां नजर आएंगी। रैली जलमहल से शुरू होकर रामलीला मैदान तक जाएगी, जिसमें संत समाज और राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। ये जलमहल से आरंभ होगी और रामलीला मैदान समाप्ति होगी। जलमहल से आरंभ होकर सुभाष चौक, सुभाष चौक से चांदनी टकसाल, चांदनी टकसाल से बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़, छोटी चौपड़ के बाद में अजमेरी गेट जाकर, वहाँ से रामलीला मैदान जाकर न्यू गेट पे जो है वहाँ समाप्ति होगी। वहाँ अंत में धर्मसभा रहेगी। आरंभ में रिछपाल जी महाराज जो कि त्रिवेणी धाम के हैं और कुछ जो जयपुर के राजनीतिक संगठनों से संबंध रखते हैं, जैसे विधायक है या माननीय सांसद साहब हैं, ये आरंभ में रहेंगे। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग अलग अलग समाजों के, वो सब वहाँ पे रहेंगे। रैली का मकसद हिंदू समाज को जागरूक करना और ऐसी जिहादी ताकतों के चंगुल से लोगों को बचाना है। देश में लव जिहाद और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक इस साजिश पर नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।